सो हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बढ़िया और मस्त होंगे। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी। इस तरह का भी हैप्पी न्यू ईयर का फूल करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करिए, तभी आप लोग इस तरह मतलब एडिट कर पाएंगे। मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ, इसलिए कैसे सब कुछ एडजस्ट किया हूँ, कैसे फेस को अच्छे से स्मूथ किया हूँ, बैकग्राउंड को कलरफुल कैसे बनाया हूँ, सब कुछ बताया हूँ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। आप लोग जरूर वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग इस तरह एडिट कर पाएंगे। अगर मेरे चैनल को कोई भी नया जुड़ा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कितना बवाल, कितना झकास, आप आफ्टर बिफोर देख सकते हैं, आफ्टर बिफोर आप देख सकते कितना झकास, कितना बवाल एडिट हुआ है, कितना बढ़िया दिख रहा है। मेरी फोटो है, मैंने 10 फोटो जब मैंने एडिट किया है, आप तो आपको मतलब जूम करके दिखा देता हूँ फोटो को अच्छे से। अब लोग देख सकते हैं दोनों फोटो कमाल की एडिट हुई है, सेम प्रोसेस से एडिट किया हूँ, सब कुछ अच्छे से एडिट किया हूँ। आपको भी नॉर्मल फोटो ले लेना है, इसको शेयर मतलब शेयर करना है स्नैप स्क्रीन में, फिर क्लिक करेंगे यहाँ ब्लैक। अब लोग देख सकते हैं थोड़ा मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, ब्लैक को ज़्यादा नहीं करना, आज थोड़ा बड़ा करना है, ज़्यादा करने से थोड़ा फोटो ब्लिक हो जाएगा, हल्का से उनको ब्लिक करने से डन कर लेना है। डन करने के ऊपर का देखना है, बीज डिट्स पर जगाएंगे, पिन ब्रश पर क्लिक करेंगे, जो साइड में क्लिक करेंगे दाबेंगे, उसको जो फेस पर सब हेड पर से उसको एडजस्ट करके जो ब्लैक हम किया है उसको हटा लेंगे और उसे मुझे सब छोड़ देना, उसे डन कर लेना है। डन करने के बाद हम जाएंगे टूल्स में, टर्न इमेज में, टर्न इमेज बनाया जाएगा एम्बुलेंस का। आप लोग देख सकते हैं अपने हिसाब से, आपको हिसाब से लेगा, मैं यहाँ 50 ले रहा हूँ 50, फिर हाई लाइट को यहाँ मैं 20 ले रहा हूँ मतलब 20 ले रहा हूँ, फिर टर्न फिर टू से जाएंगे, टू से जाने का टोनल को क्लिक करेंगे, हाई लाइट को अंदर सकते हैं, मीडियम टोन आप हिसाब से ले सकते हैं, अपने फोटो के हिसाब से ले रहा हूँ, फोटो के हिसाब से लिए लूट में यहाँ मैं 50 या 50 ले रहा हूँ, उसको डन कर लेना है। पिंट्रेस्ट में जाएंगे वो लोग, अब इस अपने चारों सब ब्लैक कर लेंगे, ब्लैक करने के बाद पिंट्रेस्ट में हम लोग जाएंगे, फिर सिलेक्टिव में जाएंगे, जहाँ पर फोटो को ब्लैक दिखे यहाँ सिलेक्टिव की मदद से आप लोग उसको ब्राइट मतलब गोरा और ब्राइट कर सकते हैं, फिर डन कर लेंगे। ऐसे करने के बाद डन करना है, पहले नहीं कर लेना है, फिर हम लोग इसको शेयर करना है अपने फोटो को लाइट रूम ऐप में। ये जो लाइट रूम ऐप है इसको आप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वर्जन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, यहाँ हम लोग आ चुके हैं लाइट रूम ऐप में, मेरे फोटो को शेयर कर लेना है लाइट रूम ऐप में। यहाँ से फिर इसको कट करेंगे, फिर हम लोग जाएंगे लाइट रूम ऐप में, एड फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ मेरी फोटो जो मैंने हम लोग शेयर किया है वो अभी तक आई नहीं है, अब आ चुकी है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे, राइट एक्सपोजर को आप देख सकते हैं 20 ले रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट को मैं यहाँ 20 ले रहा हूँ, हाईलाइट को आप 100 ले लेंगे, शैडो जो है ना उसको भी हम लोग 100 ले लेंगे, वाइट को भी -100 कर देंगे, अब ब्लैक से जो अपने यहाँ 80 कर लेते हैं, 80 ले लेंगे, फिर जाएंगे इफेक्ट में, टेक्सचर को हम ऊपर -20 ले लेंगे, क्लियरिटी को हम यहाँ 20 ले लेंगे, दहेज दहेज को आप देख सकते हैं अपने हिसाब से ले लो, अपने हिसाब से ले लीजिएगा, बिगेस्ट पूरा कितना ज़्यादा करेंगे 50 ले रहा हूँ, मिड पॉइंट का अपने हिसाब से लेना है, अपने हिसाब से राउंड लेस का अपने हिसाब से लेना है, मैं हिसाब से लेना फोटो के हिसाब से लेना है, ये नहीं कि जो मैं यूज कर रहा हूँ आपसे वो नहीं, सेम देखिए लेकिन अपने सब कुछ अलग अलग है, अपने फोटो के हिसाब से सब कुछ करना होता है। यहाँ डिटेल स्नैपिंग को मैं 50 ले कर रहा हूँ, MBS को देख सकते हैं डिटेल को, जैसे मेकिंग को हम मैकिंग यहाँ मैं 60 ले रहा हूँ, नॉइज रेडियस को यहाँ मैं 20 ले रहा हूँ, डिटेल को छोड़ देना है, कॉन्फिडेंट को यहाँ मैं 50 ले रहा हूँ, पर्सनल को यहाँ मैं 50 ले रहा हूँ, सेम
जो डेल है इसमें सॉल्व होगा लेंगे। करने के बाद हम लोग जाएंगे सीधे कलर फिर मिक्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ जहाँ पर हम ग्रीन पर क्लिक करेंगे, अपने बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। यहाँ अच्छे से 40 माइनस MBS का अपने देख सकते हैं, सिचुएशन हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। अपनी फोटो के साथ आप अपनी फोटो के हिसाब से देखिएगा। येल्लो जैसे हमने 30 माइनस सेचुरेशन को मैंने किया, MBS को 100 किया हूँ। फिर ऑरेंज कलर क्लिक करेंगे, ऑरेंज कलर के से फेस को वाइड किया जाता है। फिर अपन रेड कलर लेंगे, देख सकते हैं सेचुरेशन MBS को अपने हिसाब से ले लेना, आप लोग अपने फोटो के हिसाब से ले लेना। उसके बाद देख सकते हैं आफ्टर बिफोर देख सकते हैं कितना बढ़िया कितना छुपा सी यूट्यूबर है। आप लोग स्टेप बाई स्टेप जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्क्रीन मत लगेगा। इसके बाद भी फोटो को शेयर करना है, अगर स्केच मोड में थोड़ा सा फेस छोटा है इसको थोड़ा सा अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। यहाँ लोग ऑटो डिस्क्रिप्शन में फोटो को भी शेयर कर चुके हैं, अभी लोग शेयर कर लेना है। करने के बाद डिस्कार्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ जो ब्रश आप जो देख सकते हैं, बहुत कई साल से ब्रश का जो था फेस स्मूथ करने के लिए फॉलो टूल लिया हूँ। पुस्तक में यहाँ ट्रेंड नहीं था, और फोटो थोड़ा जूम करके अपनी फोटो भी स्मूथ कर लेना है। स्मूथ कर लेना अपने फेस को अच्छे से स्मूथ कर लेना है। अगर वाइट करना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को बहुत सारा वीडियो डाल चुका हूँ, नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं फेस को वाइट कैसे किया जाता है। या मैं पहले से फेस अच्छे से मतलब वाइट हो गया है तो मैं नहीं करूँगा वाइट। फिर अपनी फोटो को शेयर करना है दिखाट में। यहाँ जो मैं पेज यूज कर दूंगा वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसको अच्छे से मतलब जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद इरेजर देख सकते हैं आप, उसको हम लोग वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कपड़े पर सब फेस को हटा देंगे और फिर उसे छोड़ देना है। हटाने के बाद हमें फोटो को तब डन करना है, उससे पहले मत करना। देख रहे जैसे मैं अच्छा हटा, आपको सेम ऐसे हटा लेना है। फेस पर सर शरीर से इसको ले सकते हटा लेना है, उसका डन कर लेना है। फिर एड फोटो में जाना है, ये बोकेन है, ये भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फिर जाएंगे बिहाइंड में, फिर जाएंगे स्क्रीन में। अब इसको अच्छे से जूम कर चारों तरफ देखा एडजस्ट करके फिर डन कर लेना है। फिर हम लोग फिर एड फोटो में जाएंगे, यहाँ 23 है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे एडजस्ट, इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद इसको डन कर लेंगे। साइज अपने देख सकते हैं 23366 डन कर लेंगे। फिर हम लोग जाएंगे ड्रॉ टूल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी अगेन।